क्या आपका भी नया एटीएम कार्ड आया हुआ है और आप उसका पिन जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप अपने एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं, आप उसे रीसेट करना चाहते हैं? तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको एटीएम मशीन में जाकर लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि आप अपने एटीएम कार्ड का रीसेट पिन कैसे कर सकते हैं और अपने नए एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। मैं फेंक नहीं रहा, सच बात बता रहा हूँ। बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती और सीखने के बाद तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास, उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। ओके सर। जैसे सर बिल्डिंग बनाने के लिए नींव की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से वीडियो बनाने के लिए वीडियो के बेस की जरूरत पड़ती है। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो। जी, मैं अभी इनको एटीएम मशीन में ले जाकर वहाँ पर डेमो दे देता हूँ और इनको बता देता हूँ कि आप अपने एटीएम कार्ड का पिन रीसेट कैसे करते हैं। You're really sweet. दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर सिंह, पूर्व सरपंच, और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल सरपंच यूट्यूब चैनल। चलिए एटीएम मशीन में चलते हैं और वहाँ से आपको एटीएम पिन का लाइव डेमो करके दिखाते हैं। अच्छा, हम एटीएम मशीन में पहुँच चुके हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना एटीएम कार्ड मशीन में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपको एटीएम बाहर नहीं निकालना है जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट न हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी दो नंबर टाइप करने हैं, फिर यस का बटन प्रेस करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपको पिन जनरेट का बटन प्रेस करना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपको अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर टाइप करना है, फिर कंफर्म का बटन प्रेस करना है। इसके बाद स्क्रीन फिर चेंज हो जाएगी, अब आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। जो इस अकाउंट के साथ अटैच है वो ही अपना मोबाइल नंबर टाइप करें, फिर आपको कन्फर्म का बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ लिखा रहा है कि आपको मोबाइल नंबर पर ग्रीन पिन भेज दिया गया है, इसके लिए आपको कन्फर्म का बटन प्रेस करना है। कन्फर्म का बटन प्रेस करने के बाद मशीन बंद हो जाएगी, आपको स्लिप मिल जाएगी और कुछ सेकंड बाद आप अपना एटीएम कार्ड बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद फिर से आपको अपना एटीएम कार्ड मशीन के अंदर इंसर्ट करना है। फिर लिखा आएगा कि आपको अपने एटीएम कार्ड बाहर नहीं निकालना, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी दो नंबर टाइप करने हैं, फिर यस का बटन प्रेस करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपके मोबाइल पर ओटीपी आया है वो यहाँ पर टाइप करना है। हमने टाइप कर दिया, स्क्रीन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर राइट साइड में जो सबसे ऊपर है बैंकिंग, इस बटन को प्रेस करना है, हमने प्रेस कर दिया है। अब स्क्रीन चेंज हो जाएगी। अब आपको लेफ्ट साइड में नीचे से सेकंड नंबर पर जो पिन चेंज का बटन है, इस बटन को प्रेस करना है, हमने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो आप नया एटीएम का पिन बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, 4 डिजिट का, हमने टाइप कर दिया। प्लीज री एंटर योर न्यू पिन, आपको दोबारा से फिर वही एटीएम का पिन टाइप करना है, हमने टाइप कर दिया दोबारा से। योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज वेट, यानी कि आपका जो पासवर्ड की प्रक्रिया है वो जारी है। दोस्तों, आपका एटीएम का पासवर्ड नया बन चुका है, आपको इसने स्लिप भी दे दी और आप अपने एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में से जरूर निकाल लें। अब आपने जो अपना एटीएम कार्ड का नया पासवर्ड बनाया है आप उसके साथ मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी विड्रॉल कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।